हाय गाइस, जहीर हियर। तो आज हम लोग देखेंगे इस फुल एचडी एलईडी मॉनिटर की अनबॉक्सिंग और रिव्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। सो गाइस, ये डेल का मॉनिटर है। इसका मॉडल नंबर है डेल S2216H। ये 22 इंच का फुल एचडी मॉनिटर है, 1080p रेजोल्यूशन वाला। तो दोस्तों, ये है बॉक्स, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इस पे ये देखिए, यहाँ पर मॉडल नंबर भी लिखा हुआ है। तो चलिए अब इसकी सील ओपन करके देख लेते हैं अंदर क्या क्या है। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें मिलता है HDMI केबल। सॉर्ट ऑफ ओके क्वालिटी है, बहुत अच्छी नहीं है। उसके बाद हमें मिलता है पावर ब्रिक। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसकी इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं। ये देखिए, ये इसका पिन है। तो अभी इन चीज़ों को साइड में रख देते हैं और देखते हैं और क्या क्या है। फिर हमें मिलता है ये पेपर वर्क, इसमें मैनुअल है और एक ड्राइवर CD भी है। चलिए इसे भी साइड में रख देते हैं। और फिर हमें मिलता है ये पावर कॉर्ड, जो कि एक नॉर्मल इंडियन पिन के साथ आता है, इसे भी साइड में रख देते हैं। इसके बाद हमें मिलता है स्टैंड, इसे मैं प्रोटेक्टिव कवर में से निकाल लेता हूँ। ये देखिए, प्लास्टिक का स्टैंड है और ये जो सिल्वर पोर्शन है ये बैक साइड का है, ना कि फ्रंट साइड का। केबल मैनेजमेंट के लिए होल भी हमें मिलता है। इसको रखते हैं साइड में और बढ़ते हैं आगे। उसके बाद हमें मिलता है बेस, इसे भी मैं निकाल लेता हूँ प्रोटेक्टिव कवर में से। सिल्वर कलर का बेस है, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। नीचे की तरफ हमें 6 रबर ग्रिप मिलता है, जिससे मॉनिटर मूव नहीं होता। चलिए अब मेन चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, मैं इसे निकाल लेता हूँ। ये है हमारा मेन मॉनिटर, चलिए इसे भी निकाल लेते हैं प्रोटेक्टिव पैकेजिंग से। ये है शानदार मॉनिटर। पहले तो इसमें विजिबल बेजल है ही नहीं, जैसा आप लोग देख सकते हैं। इसकी स्क्रीन IPS है, इसलिए ग्लॉसी भी है। इसमें 2 स्पीकर भी दिए गए हैं, जो कि 3 वॉट के हैं, जिन्हें मैं टेस्ट भी करूंगा आगे वीडियो में। चलिए मैं आप लोगों को इसके IOs दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसमें एक VGA, एक HDMI, ऑडियो इन ऑडियो आउट और एक पावर इन मिलता है। चलिए मैं आप इसका स्टैंड लगा लेता हूँ और इसे टेबल पर सेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने इसे अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लिया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये एक फुल HD 1080p स्क्रीन के साथ आता है। इसमें हमें 6 मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम भी मिलता है, 178 डिग्री की व्यूइंग एंगल भी है, कंट्रास्ट रेशियो इसका 1000:1 है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसकी थिकनेस की। जैसे कि आप ये देख सकते हैं साइड से, इस ज़्यादा स्लिम नहीं है पर ओके है। अगर बात करें इसके बेजल की, तो ये मॉनिटर अनबीटेबल है इस प्राइस रेंज में। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही थिन बेजल है, ये देख लीजिए आप लोग। इन टर्म्स ऑफ बटन, इसमें 4 डॉट टाइप टच बटन है और एक राउंडेड टच बटन है, जो ऑन ऑफ करने के लिए यूज होता है। और इसमें लाइट भी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को इसके बटन्स के सेटिंग्स और मेन्यूज़ के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप इसके कोई भी बटन को दबाएंगे तो एक छोटा सा बार ओपन होता है। बार ओपन होने के बाद अगर आप इसका पहला बटन दबाएंगे तो हमें प्रीसेट मोड का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें कई सारे प्रीसेट मोड्स हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड, मल्टीमीडिया, मूवी, गेम, पेपर, वार्म, कूल, कस्टम कलर वगैरह। और फिर जो सेकंड बटन है, इससे हम लोग वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं इसके बिल्ट इन स्पीकर्स का। और फिर तीसरे बटन से हमें फुल मेन्यू मिलेगा, यहाँ से हम सारी सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन है ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट लेवल का,
यहाँ हम ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट का लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। दूसरा ऑप्शन है इनपुट सोर्स, यहाँ से हम HDMI और VGA का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कलर, यहाँ से हम लोग प्रीसेट मोड, इनपुट, कलर, फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन है डिस्प्ले, यहाँ से हम लोग एस्पेक्ट रेशो, शार्पनेस, रिस्पॉन्स टाइम वगैरह चेंज कर सकते हैं। पांचवा ऑप्शन है ऑडियो, यहाँ से हम वॉल्यूम, ऑडियो सोर्स और स्पीकर्स को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ मिलता है एनर्जी, यहाँ से हम पावर बटन की LED को ऑफ या ऑन कर सकते हैं। देन हमें मेन्यू का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, इस टाइप की ट्रांसपेरेंसी, टाइम, लॉक वगैरह की सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमें मिलता है पर्सनलाइज का ऑप्शन, यहाँ से हम लोग बटन्स के शॉर्टकट्स को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अदर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से हम लोग फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। तो मेन्यूज़ में इतने सारे ऑप्शन हमें मिलते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने स्पीकर टेस्ट की तरफ। तो चलिए मैं आप लोगों को अब दिखा देता हूँ इसके बिल्ट इन स्पीकर का साउंड टेस्ट। तो मैं इसमें से NCS का एक गाना बजा के आप लोगों को सुना देता हूँ इसका बिल्ट इन स्पीकर। तो दोस्तों अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये एक बेस्ट 1080p मॉनिटर है इस प्राइस रेंज में, और अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो ये हमें मिल जाता है 9000 के आसपास। अगर आप लोगों को ख़रीदना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। मैंने Amazon इंडिया की लिंक दी है, Amazon US की भी लिंक ट्राई करता हूँ, अगर मिली तो मैं दे दूँगा। ओवरऑल बहुत ही अच्छा मॉनिटर है। और हाँ, एक बात तुम बताना भूल ही गया, डेल की तरफ से इसमें 3 साल की वारंटी भी आती है। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसी ही वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहेंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।